God commands. इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो गूगल न्यूज और अन्य जगहों से उठाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। राष्ट्रीय राइफल मूल रूप से एक सैन्य इकाई है और रक्षा मंत्रालय के अधिकार के तहत भारतीय सेना की एक शाखा है। इसका प्रतीक चिन्ह में एक अशोक चक्र के साथ दो क्रॉस राइफल है। राष्ट्रीय राइफल को 1990 में 7th PM ऑफ इंडिया BP सिंह ने बनाया था। राष्ट्रीय राइफल को काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स भी कहा जाता है, जिसका मुख्य काम है आतंकवाद से निपटना। जब कभी हमारी जनरल सेना किसी मामले को निपटाने में सक्षम नहीं होती है तो राष्ट्रीय राइफल्स को बुलाया जाता है। राष्ट्रीय राइफल्स का मोटो है दृढ़ता और वीरता। इनका मुख्य काम कश्मीर में चलता है, क्योंकि कश्मीर में आतंकवाद की घटना कई वर्षों से चल रहा है, जिसका निपटारा करने में राष्ट्रीय राइफल्स बहुत हद तक सक्षम रही है। राष्ट्रीय राइफल्स को राष्ट्र के 12 विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये किसी विशेष ऑपरेशन में या आवश्यकता पड़ने पर सीमा सुरक्षा बल की सहायता भी करते हैं। राष्ट्रीय राइफल रेजिमेंट में सैनिकों का चयन रेगुलर आर्मी के साथ साथ अन्य रेजिमेंट से भी किया जाता है। राष्ट्रीय राइफल्स में डायरेक्ट भर्ती नहीं किया जाता। राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन में सैनिकों की संख्या जरूरत के हिसाब से रखा जाता है। इसमें जवानों को मात्र 2 से 3 साल के लिए डिप्यूटेट किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसमें काम करने वाले सैनिकों की जानकारी बाहर लीक न हो। भारतीय सेना आज तक कुल राष्ट्रीय राइफल्स में सैनिकों की संख्या कितनी है वो स्पष्ट नहीं की। देश में इस समय कुल 12 जगहों पर राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियन काम कर रही है। राष्ट्रीय राइफल्स को पहले एक अर्ध सैनिक के रूप में बनाया गया था और यह तय किया गया था कि इसमें काम करने वाले सैनिक असम राइफल के समान एक सामान्य सैनिक होंगे, जो विभिन्न अर्ध सैनिक बलों से लिया जाएगा। परंतु ये हो नहीं पाया और इससे राष्ट्रीय राइफल्स की संरचना कुछ अलग तरीके से होगी, जिसमें सेना के अधिकारी और जवानों के अनेक रेजिमेंट्स में शामिल किया गया, जैसे राजपूताना राइफल, गोरखा रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स आदि। राष्ट्रीय राइफल्स कश्मीर में उग्रवाद से लड़ने के लिए और क्षेत्र में कमजोर स्थानीय सुरक्षा बलों को बेहतरीन बनाने के लिए समर्पित है। मार्च 1995 में भारतीय टेलीविजन नई राष्ट्रीय राइफल्स की डेल्टा फोर्स के बारे में बताया। यह बताया गया कि बल दक्षिणी मध्य में जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चला रही है। राष्ट्रीय राइफल्स में 65 बटालियन शामिल है और मूल रूप से इसमें 4 उग्रवादी रोधी बल है, जो कश्मीर घाटी और जम्मू के क्षेत्र में कार्यरत है। इस रेजिमेंट ने 500 से अधिक वीरता पुरस्कार प्राप्त किए हैं। राष्ट्रीय राइफल्स ज्यादातर AK-47 राइफल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एडवांस इक्विपमेंट के साथ। इसलिए इनके इंसिग्निया में भी एक अशोक चक्र के साथ 2 AK-47 क्रॉस है। राष्ट्रीय राइफल्स को इंडियन आर्मी के सबसे डेडलीस्ट सिक्योरिटी फोर्स भी माना जाता है, मोस्ट डेडलीस्ट सिक्योरिटी फोर्स ऑफ द इंडियन आर्मी, क्योंकि इस फोर्स को खास करके आतंकवाद का सफाया करने के लिए बनाया गया था। इसलिए राष्ट्रीय राइफल्स अभी तक 21,000 से भी ज्यादा मिलिटेंट का सफाया कर चुकी है। राष्ट्रीय राइफल्स को FSPA कानून के तहत और भी कई अधिकार प्राप्त है, जैसे राष्ट्रीय राइफल्स के पर्सन किसी भी आम नागरिक को संदेह होने पर उनकी तलाशी या गिरफ्तार कर सकते हैं, वो भी बिना वारंट के। राष्ट्रीय राइफल्स को किसी भी क्षेत्र में लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। इनकी अदम्य साहस और वीरता देखते हुए इन्हें बहुत से सम्मानों से नवाजा गया है, जैसे 6 अशोक चक्र, 34 कीर्ति चक्र, 221 शौर्य चक्र और 1500 सेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रीय राइफल्स की बैटल और उनकी जानकारी गुप्त रखी जाती है, जिसके वजह से ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं डायनेमिक सक्सेस यूट्यूब चैनल। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में ही बेल आइकन वाला बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।